अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या अफान छोड़ देगा एनी को उसके हाल पर या उसे दे देगा तलाक। ड्रामा सीरियल बेरंग के आने वाले एपिसोड बहुत ही होने वाले हैं कमाल के। अफान जाता है एनी के घर और उसे मनाता है और क्या कहता है कि तुम चलो मेरे घर, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी और उम्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके माँ बाप भी एनी के आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बेटा, लड़कियाँ अपने घर में ही खुश रहती हैं, बेटियाँ तो हमेशा होती पराई हैं, जाओ अपने घर खुश रहो। तो एनी कहती है कि नहीं, मैं कुछ देर और यहाँ रुकना चाहती हूँ, मैं यहीं रहूँगी, आप अफान जाओ, मैं आ जाऊँगी। अफान का उसका ये रवैया अफान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अफान उम्र के बहाने अंदर कमरे में चला जाता है, पीछे एनी भी चली जाती है। अफान उससे पूछता है कि बताओ, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो। तो वो एनी कहती है अफान को, क्या तुम्हें मेरे इस रवैये का बिल्कुल भी इल्म नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ये रवैया क्यों अख्तियार कर रही हूँ। जबकि अफान कहता है कि एनी, अब भी तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है, बताओ तो सही आखिर वजह क्या है। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम हो कि मेरी मोहब्बत की कदर भी नहीं कर रही। अफसोस है एनी तुम्हारे इस रवैये पर। एनी कहती है कि आप जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती, मेरा जब दिल करेगा मैं आ जाऊँगी। अफान कहता है ठीक है, रहो अपने माँ बाप के घर, तुम एक पत्थर दिल लड़की हो, तुम्हारे साथ मोहब्बत करके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। अफान चला जाता है अपने घर और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, जो परेशानी आप उसके चेहरे पर वाज़े तौर पर दोस्तों देख रहे हैं। अफान सोचता है, क्या मुझे ज़बरदस्ती का ये ताल्लुक ख़त्म कर देना चाहिए, क्या मुझे एनी को तलाक दे देनी चाहिए। अगर मैं एनी को तलाक दे दूं तो क्या मैं उसके बगैर रह पाऊंगा। अब वो बहुत ही ज़्यादा कश्मकश में बैठा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रही कि अब वो क्या करे। वो एनी के रवैये पर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। दूसरी तरफ एमल को जब पता चलता है कि एनी ने घर जाने से इनकार कर दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है एनी पर। एनी को कहती है कि आयमा को तुम नहीं जानती, वो ऑफिस में उसके आगे पीछे घूम रही है। उसके माँ बाप को भी पता चल जाता है, वो कहते हैं एनी तुम बहुत ही गलत कर रही हो, अगर वो तुम्हारे शोर पर डोरे डाल रही है और तुम यहाँ बैठी आराम से मैके में सुकून कर रही हो, तुम्हें इस तरह नहीं बैठना चाहिए। पहले इसी तरह एमल ने किया था और उसने शहरयार पर भी कब्ज़ा कर लिया था, अगर इस तरह तुम करोगी तो वो तुम्हारे शोर को भी खा जाएगी, वो एक डैन है, तुम्हें अब संभलना चाहिए, तुम जाओ और अपने शोर को अपने काबू में करो, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ ताकि वो कहीं और भटक ना सके। दोस्तों आने वाले एपिसोड बहुत ही होने वाले हैं कमाल के। अगर आप ड्रामा सीरियल बेरंग नहीं देख रहे तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।